हाय, मैं हूँ मेघा एंड मेरे साथ आज है 5 times नेशनल चैंपियन रह चुकी हुई प्रेरणा भामरी। हाय प्रेरणा। हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। तो प्रेरणा, कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। सबसे पहले बेसिक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी एज में आपने रियलाइज किया कि दिस इज योर ट्रू कॉलिंग, मतलब टेनिस आपका स्पोर्ट है? आई थिंक टेनिस में आने के लिए मेरा प्रोसेस बहुत ही नेचुरल था। मैंने सभी को, अपने कजन्स को फॉलो करा और टेनिस स्टार्ट करा। बट ये रियलाइज़ मेरे को काफ़ी बाद में हुआ कि मेरे को टेनिस ही परस्यू करना है। आई थिंक आई माइट हैव बीन मे बी 11-12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं थोड़े टूर्नामेंट्स जीतने लगी नेशनल लेवल पर, तब मुझे फील हुआ कि शायद मैं इसमें करियर बना सकती हूँ और कुछ बेटर कर सकती हूँ टेनिस में। और यही आपकी ट्रू कॉलिंग है? तो चूंकि आपने बताया प्रेरणा, आप जब से आप 11 ईयर्स के थे तब से आपने, मतलब आई एम श्योर आप प्रैक्टिस पे जाते होगे एंड उसके साथ आप स्कूल और कॉलेज भी मैनेज करते होगे, तो हाउ डिड यू डू एवरीथिंग? आई थिंक आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मैं दोनों कर पाई, टेनिस करियर परस्यू कर पाई और अकेडमिक्स में एक्सेल कर पाई। ऑल क्रेडिट टू माई पेरेंट्स एंड माई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। मेरे को राइट टाइम पे सपोर्ट मिला ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मेरे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करा गया कि स्कूल रेगुलर जाना है, अटेंडेंस कंपलसरी करनी है या एक्सेप्शनल मार्क्स लाने हैं। ये कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स की तरफ से, और स्कूल ने भी बहुत ही सपोर्ट करा। मैं सिर्फ एग्ज़ाम देती थी, कई बार ही होता था कि मैं स्कूल मिस करती थी, बाकियों की तरह रेगुलर स्कूल नहीं अटेंड करती थी। मैं DPS आरकेपुरम गई और वो बहुत ही सपोर्टिव थे। उसके बाद मैंने जीसस एंड मेरी कॉलेज ज्वाइन करा, जो अगेन आई थिंक वो स्पोर्ट्स के लिए ही माने जाते हैं। और मैंने अपना मास्टर्स किया जामिया मिलिया इस्लामिया से, MBA और मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में। वो फुल कमिटमेंट चाहिए कोई भी मास्टर्स डिग्री करने के लिए, और मेरे कॉलेज ने बहुत ही इनकरेज करा मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाते हुए। तो आई थिंक मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मुझे सही टाइप का सपोर्ट मिला है सबसे। वाओ, मतलब एकेडमिक्स में भी एक्सेल किया है और अपने फेवरेट स्पोर्ट को खेलते हुए भी आपने एक्सेल किया, दैट्स सुपर प्रेरणा। मुझे बताओ कि आप प्रैक्टिस सेशंस कितने कितने घंटे के रहते थे आपके, मतलब कितना टाइम आप घर पे दे पाते थे? नाउ यू आर मैरिड, यू आर मैरिड एंड यू ऑल्सो हैव अ किड, तो हाउ डू यू डोंट ओके बट यू आर मैरिड, सो हाउ डू यू मैनेज योर प्रैक्टिस एंड साथ में घर कैसे? Well, all credit goes to my new family. I've been married for 3 years and my husband and my in-laws have been super supportive. They don't like let me be home and do all the household work, you know. They say do what you want, pursue what you want, and this is like your time to enjoy. Koi funny ya koi aise embarrassing moments aapke matlab aap is dauran rahe hain, jo please share some with us. फ़नी और एम्बेरसिंग तो मैं अभी कुछ नहीं सोच सकती, बट फन मोमेंट ज़रूर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना, और मैंने पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करती थी, वन ऑफ देम वुड ऑलवेज ट्रैवल, मैं कभी अकेले मैंने ट्रैवल नहीं करा। उसके बाद जब मेरे भाई कोचिंग में, प्रतीक कोचिंग में गए, तो उनके साथ ट्रैवल करा, तो हमारे में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ही इज़ ओनली 2 years एल्डर, तो हमने खूब मस्ती करी, खूब इन्जॉय करा ट्रैवल लाइफ।